आज की इस वीडियो में हम टाटा प्ले के ग्राहकों के लिए बात करेंगे। अगर आप भी टाटा प्ले का अपने घर पर इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी चैनल्स देखने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुछ ऐसे चैनल भी हमारे पैकेज में शामिल हो जाते हैं जिसको ना चाहकर भी देखना पड़ता है। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा चैनल जिसको आपने पहले कभी सब्सक्राइब किया हुआ हो और आपको मालूम नहीं, आप भूल चुके हो और आपको याद है कि भाई उस चैनल को तो मैंने सब्सक्राइब किया था तो उसका बैलेंस मेरे अकाउंट से कट ही जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो भी आपने चैनल पहले कभी सब्सक्राइब किया था और आज के समय में आप उस चैनल को देखना नहीं चाहते, तो उस चैनल को रिमूव करना बहुत ही आसान है, वो भी टाटा प्ले की ऐप से। यहाँ पर सिर्फ आपका 2 मिनट लगेगा और 2 मिनट के भीतर आपका वो चैनल आपके पैकेज से छूमंतर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और उस चैनल का किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपके अकाउंट से नहीं लिया जाएगा। तो देरी नहीं करेंगे, सीधा आपको मैं टाटा प्ले की ऐप की ओर ले चलता हूँ। अगर आपके पास टाटा प्ले की ऐप इंस्टॉल नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और टाटा प्ले ऐप को अपने स्मार्टफोन में आज ही इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि उस ऐप से जहाँ एक तरफ आप अपने पैकेज को मैनेज कर सकते हो तो साथ ही में उस ऐप का इस्तेमाल करके आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी कि आज कौन कौन से चैनल पर कौन सी मूवी आने वाली है, यानी कि पूरा स्केड्यूल आपके सामने वो पेश करेगा। और यही नहीं, उसके अंदर आप लाइव टीवी चैनल्स को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो अगर आपका टाटा प्ले का अकाउंट एक्टिव है। तो चलिए स्मार्टफोन की ओर चलते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको टाटा प्ले की जो ऐप है उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके लिए लोडिंग लेगी। लोडिंग लेने के साथ ही सामने जो है आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपको अपने पैकेज को कैसे मैनेज करना है। ऊपर की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर की ओर आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर भी आपको आपके कस्टमर आईडी, आपके किस नाम पर बॉक्स रजिस्टर्ड है उसकी जानकारी और आपके बॉक्स में कितना बैलेंस है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई ऐड ऑन को बंद करवाना है, किसी चैनल को बंद करवाना है अपने प्लान से, पैकेज से, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली करना होगा माई अकाउंट पे। माई अकाउंट पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको आना है मैनेज पैक पर। मैनेज पैक पर आ जाने के बाद सामने जो है आपको सब्सक्राइबर आईडी, कितना अकाउंट बैलेंस है, रिचार्ज डेट क्या है वो सामने दिखाई देगी। इसके अलावा नीचे की ओर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरे पैकेज की जानकारी देखने को मिल जाएगी कि आपका कौन सा प्लान लगा हुआ है और उसका कितना मंथली चार्जेस आपको देना पड़ रहा है। अब सिंपली अगर आप किसी प्लान को चेंज करना चाहते हो, किसी चैनल को रिमूव करना चाहते हो, तो आपको मॉडिफाई पैक्स एंड चैनल्स पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर भी आपको कई तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, क्विक ऐड चैनल्स, ड्रॉप चैनल्स, मॉडिफाई करंट पैक और मेक योर ओन पैक। लेकिन यहाँ पर हमने ये कंफर्म करना है कि हमने कोई अपने चैनल को या कोई ऐड ऑन को अपने पैकेज से बंद करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सीधा ड्रॉप चैनल्स पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ड्रॉप चैनल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने एडिशनल चैनल या ऐड ऑन लिए हुए हैं उसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो है पैकेज में हिंदी मूवीज़ का और एक हिंदी मूवीज़ HD का प्लान लगा हुआ है, और इसके अलावा अगर एडिशनल चैनल्स में बात करें तो इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स और SI अरूवी लगा हुआ है। वही अगर मैं फ्री कम्प्लीमेंट्री में बात करूँ तो ये तमाम चैनल जो आप देख रहे हो ये मेरे पैकेज में मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जा रहे हैं, और इनमें से भी मैं चाहूँ तो किसी भी चैनल को रिमूव कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 ऐड ऑन्स को रिमूव करना चाहता हूँ। एक तो मेरा हिंदी मूवीज़ का है, इसे मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो मुझसे कन्फर्म करना कि वाकई में आप इसे ड्रॉप करना चाहते हो, तो या जी हम ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही आप देख सकते हो कि अनचेक हो चुका है। इसके साथ ही दूसरा प्लान को भी मैं ऐसे ही करूँगा, और यहाँ पे भी कन्फर्मेशन देने के बाद मेरे जो दोनों प्लान्स हैं वो रिमूव होने के लिए तैयार है। और इसके अलावा अगर आप किसी और चैनल को भी रिमूव करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सिंपली कन्फर्म पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो आपको मैं बता देगा कि आपके जो भी चैनल्स हैं जो रिमूव आपके पैकेज से हो जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो तमाम चैनलों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो भी आपके पैकेज से रिमूव हो जाएंगे। तो सिंपली आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 15 सेकंड्स का आपके लिए टाइम ड्यूरेशन चलता है। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपका जो पैकेज है वो प्रोसेसिंग में जाएगा, और जैसे ही ये ड्यूरेशन कम्प्लीट होगी आपका जो पैकेज है वो अपडेट हो जाएगा। ये चेंजेस को करने से पहले आपको अपने सेट ऑफ बॉक्स को ऑन रखना है, और जैसे ये चेंजेस आपकी कम्प्लीट हो जाएगी तो आपके सामने पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, और फाइनली हम बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। बैक टू होम पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हमारे सामने पूरी जानकारी वापस आ जाएगी, और जो हमने चैनल्स अपने प्लान से डिलीट किए थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो कुछ इसी तरह से जो है हम अपने पैकेज में किसी भी ऐड ऑन को या किसी भी चैनल को रिमूव कर सकते हैं।